इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। भी आपके साथ हैं, जबकि जो इंडिया क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, तो वहां पे उन्होंने जो है वो इस तरह बात की कि वो फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे मुआशरा जो है वो तकसीम है, सरकार किसी हद तक फलस्तीन के साथ खड़ी हो नजर आ रही है और जो अवाम है वो इसराइली हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो जरा काइंडली ये बताइए कि बाद में यहां से शुरू करता हूं जी। ये जो इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट की और 25 ममालिक के झंडे लगा दिए और इंडिया को बीच में माइनस कर दिया, तो आप तो इसराइल के बड़े इत्तेहादी हैं, ये हुआ क्या है? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले तो हमने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और बहुत बढ़िया सवाल है ये। हुआ क्या है, देखिए जो 25 फ्लैग लगाए, तो एक ट्विटर में एक जगह होती है कितने फ्लैग लगाए नहीं लगाए। अगर आप कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया, कोट अनकोट कह रहा हूं, उसने कहा इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल। और आप जो टीएस त्रिमूर्ति है, जो हमारे परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, अगर आप उनका स्टेटमेंट केयरफुली समझे और 3-3.5 मिनट का स्टेटमेंट और पढ़े, मैंने सुना था कि कल हमारे नेशनल टीवी पे एक दो डिबेट्स हुई थी इसमें, तो मैं भी उसमें था। तो देखिए, जहां तक पैलेस्टाइन की बात है, हमारा स्टैंड पैलेस्टाइन पे बिल्कुल नहीं बदला। पैलेस्टाइन के दो हिस्से है चीमा साहब, पहला हिस्सा है वेस्ट बैंक, दूसरा हिस्सा है गाजा। और मोदी जी जब इसराइल गए थे, वो पैलेस्टाइन गए थे, वो वेस्ट बैंक गए थे, वो महमूद अब्बास साहब से मिलने गए थे। हम गाजा नहीं गए थे क्योंकि हमस की गवर्नमेंट को हम नहीं मानते, वी डोंट रिकॉग्नाइज हमस, वी रिकॉग्नाइज वेस्ट बैंक। बिकॉज वेस्ट बैंक, अगर आपको याद हो, मतलब आपको तो पता ही होगा, वो पीएलओ यासिर अराफात साहब की पार्टी के लोग है, वो लोग पोलिटिकल है, वो पोलिटिकल लीडर्स है। और अराफात और हम पहली कंट्री थे पूरे एशिया में जिसने पैलेस्टीन की एम्बेसी इंडिया में खोली थी, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तो ये भी कहती थी कि यासीन अराफात मेरा भाई है। तो हमारा स्टेट आज भी पैलेस्टाइन के साथ है, पैलेस्टाइन लोगों के साथ है, पर हम हमस को और गाजा को नहीं मानते। अब जो हमारे टीएस त्रिमूर्ति जी, अगर आप उनका स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने कहा था वी कंडेम रॉकेट अटैक्स बाय हमस ऑन इसराइल एंड द रिटेलिएशन ऑफ जो एंड व्हाट इसराइल इज डूइंग इज रिटेलिएशन टू दीज अटैक्स। रिटेलिएशन का वर्ड यूज किया जाता है अनप्रोवोक्ड एक्शन, अगर आप अनप्रोवोक्ड एक्शन करेंगे तो मैं उसको रिटेलिएट करूंगा। और उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि भाई ये रॉकेट अटैक रुकने चाहिए फॉर द पीस टू प्रिवेल। एंड लास्ट का उनका सेंटेंस था, कोट अनकोट, वी आर फॉर द जस्ट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जस्ट इज जस्टिफाइड और लेजिटिमेट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जो हम शुरू से कह रहे हैं। तो कंडेमिंग हमास, कंडेमिंग रॉकेट अटैक्स इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, एंड वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। आज भी हमें पैलेस्टीनी लोगों के साथ है, हमें उनका दर्द है, बट अगर हमस इसराइल पे 3000 रॉकेट डालता है, आप देखिए लंदन हो, लाहौर हो, न्यू दिल्ली हो, लक्समबर्ग हो, अगर किसी के ऊपर भी 3000 रॉकेट आएंगे, वो रिटेलिएट करेगा और ऐसे ही करेगा। सो इंडिया स्टैंड हैज नॉट चेंज, इंडिया इज विद इसराइल बट वी आर ऑल्सो विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, वी आर नॉट विद हमास, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज हमास, वी हैव नो रिलेशन विद हमास, बिकॉज वी बिलीव, हमारा माना हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। और ये वाजे करना बहुत जरूरी है, मोदी जी वेंट टू वेस्ट बैंक, वो रमाला गए थे, वो गाजा नहीं गए थे, बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज हमास। ये तो आपको हो गया स्टैंड, लेकिन जो आप सवाल था वो आप मिस कर गए। सवाल ये है सुमित भाई कि इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट में इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया। अब इंडिया जो है वो इसराइल को अपना पार्टनर समझता है एंड वाइस वर्सा, और इंडिया के जो अवाम है वो भी बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं इंडिया इसराइल पार्टनरशिप को और दोस्ती को। वो बेसिकली मेजॉरिटी जो लोग हैं वो समझते हैं इसको ज्यूइश इस्लामिक और हिंदू और ज्यूइश वो इक्वेशन में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसराइल ने आपका फ्लैग ना लगाया, लेकिन इंडियन अवाम कह रही है हम इसराइल के साथ हैं, इसराइल कहता है कि नहीं हम आपको मानते ही नहीं है, तो ये क्या चक्कर है?
सर बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए ट्विटर में एक लगाने की जगह, दैट कैन बी इवन अ मिस्टेक और ओमिशन, या जगह कम पड़ गई, आपने 25 फ्लैग लगाए। मैं आपको कोट अनकोट एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्सपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल, कल उनमें चैनल का नाम बता देता हूँ, चलिए आप तो उनसे कम्पीट नहीं करते, उन्होंने कल सीएनएन न्यूज टीवी 18 को स्टेटमेंट दिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन कहते हैं, इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल एंड वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट इजराइल। इसीलिए मैंने आपको टीएस त्रिमूर्ति साहब का स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बताई। और हाँ, ये भी उन्होंने कहा, वी आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वायलेंस से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा, और ये रॉकेट का जो बराज हो रहा है इजराइल पे, दिस हैज टू स्टॉप। तीन उनमें मेन 3 मिनट 46 सेकंड के स्टेटमेंट में ये तीन बातें उन्होंने बोली। अगर चीमा साहब, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्सपर्सन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल का कोई रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट नहीं, अगर वो खुद कहता है इंडियन चैनल पे 9 बजे प्राइम टाइम के इंटरव्यू में, वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, दैट आंसर्स द स्टेटमेंट, बट वी आर अगेंस्ट एनी, हम किसी भी वायलेंस के खिलाफ है, मरने वाले इजरायली हो या मरने वाले फलस्तीन हो, लोग नहीं मरने चाहिए, वी आर अगेंस्ट वायलेंस एंड वी अर्ज, हमने ये भी कहा कि भाई ये रॉकेट रुके और वायलेंस रुके, पीसफुल सोल्यूशन कुछ निकल सकता है, जब तक ये रॉकेट चलते रहेंगे बेगुनाह लोग मरते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसको अगले पॉइंट पे आते हैं कि भारत के अंदर कई लोग, आपके ट्विटर ट्रेंड्स भी हमने देखे कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सपोर्ट करता रहा जी इंडिया स्टैंड्स विद इसराइल, और एक तबका सपोर्ट करता रहा इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन। तो क्या, जस्ट फॉर नॉलेज एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, जारी बात है किसी मुल्क में दो तबके तो हो सकते हैं, ये नहीं है कि भारत में क्यों है, अमेरिका में भी होंगे, यूरोप में भी होंगे, बहुत सारे, लेकिन भारत में जो ट्रेंड सुमित भाई वो नोट किया गया वो ये था कि जो वो लोग थे जो बेसिकली एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट्स रखते हैं, बेसिकली वो लोग एक जिसे कहते हैं ना कि जस्ट दिखाने के लिए या एक गुस्से के लिए जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, या जो एक इंडिया के हालात हैं, या जो ओवरऑल भी एक मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, मुस्लिम वर्सेस ज्यू चलता रहता है, तो ये उस तरह का ट्रेंड भी इंडिया में देखा गया। सो हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ क्लेवेज और डिवाइड विद इन इंडिया, के ये किस तरह की डिवाइड आपको लगी एज ए एनालिस्ट? देखिए चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब मैं किसको सपोर्ट करूं, मेरा बेटा किसको सपोर्ट करे और मेरे पिताजी किसको सपोर्ट करे, हम तीनों तीन अलग अलग चीजों को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप मेरे दोस्तों, आप किसी चीज और को सपोर्ट करो। अब देखिए, ये हिंदू मुसलमान वाली फर्क नहीं है, इंडिया एज अ कंट्री एज पीपल वी सपोर्ट इसराइल, वी ऑल्सो सपोर्ट पैलेस्टाइन। हमारा ये पैलेस्टाइन का सपोर्ट शुरू से आया है, तभी मोदी जी जब इसराइल गए थे तो रमाला भी गए थे, सेम टूर में गए थे। मुझे बताइए, जो वेस्ट बैंक में रहता है, वेस्ट बैंक की टेरिटरी बताऊंगा चीमा साहब, इस 15 से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा बहुत आम हो रही है कि भारत का शुक्रिया नहीं किया गया इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो मैं इसे देखकर डेफिनेटली बहुत खुश हुआ, क्योंकि आपको भी पता है भारत और इसराइल के रिश्ते ऐसे हैं कि माने आप, इसमें ये शुक्रिया थैंक यू वाली कहानी ही नहीं है। जैसे आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है तो आप उससे रोज़ सुबह मिलते हैं और भाई गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ये सब चीज़ें बहुत करीबी दोस्त में नहीं होती हैं। आप शायद उसको बर्थडे में भी बोलते होंगे ना तो बर्थडे विश नहीं करते होंगे, यार भाई वो तो हमेशा इतना करीबी है कि आप उससे बर्थडे भी विश नहीं करते होंगे, आप मतलब उससे सीधा बोलते होंगे पार्टी दे, कहाँ का बर्थडे विश करूँ तेरे को, ऐसा कुछ होता होगा अगर आपका बहुत करीबी दोस्त है तो। इस तरीके का रिलेशनशिप है भारत का इसराइल के साथ। और यहाँ पर जो कमर चीमा के साथ जो इंडियन एनालिस्ट बैठे थे वो थोड़ा सा मुझे मतलब उतना उनका जो भी बोलने का तरीका था क्लियर नहीं था। कमर चीमा को सब कुछ पता है, कमर चीमा सीरियसली सब कुछ पता है, बोल रहा है कि हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो इसराइल को इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसराइल मुसलमानों को मार रहा है। तो भैया हिंदू नेशनलिस्ट क्यों बना ये भी तो बताओ, हिंदू आखिर कट्टर क्यों बना इतना ज़्यादा ये भी तो बताओ, उसके पीछे रीज़न है मुस्लिम। मुस्लिम जब इतना कट्टर बन रहा है, मुस्लिम जब चाहता ही नहीं है, अगर आप उसकी मस्जिद में जाकर आप उसके मतलब मस्जिद में सर टेक सकते हो लेकिन मुस्लिम आपके मंदिर में आकर सर नहीं टेक सकता है, तो फिर डेफिनेटली हिंदू पर कुछ रिएक्शन होगा, वो भी ऐसा करने लगा कि भाई हम क्यों जाएं वहाँ पर। इस तरीके की चीज़ें होने लगी हैं। गाइस अब बात करते हैं कि भारत को थैंक यू क्यों नहीं बोला, इस बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस जनाब जो ये कमर चीमा के साथ बैठे थे ये तो लीपापोती कर रहे थे, ये कहीं वेस्ट और ये और फलाना ठिकाना जमाना जो भी बोल रहे थे, मैं क्लियर बता देता हूँ, इसराइल कई जगह पर कब्जा किया हुआ है,
जैसे कि भारत के कई हिस्सों में क्या पीओके में और अक्साई चीन में, भारत के अक्साई चीन और पीओके में जो कब्जा किया हुआ पाकिस्तान चाइना ने, उस तरीके का इसराइल कब्जा किया हुआ है। अगर भारत इसराइल का खुलकर सपोर्ट करने लगे तो वहाँ पर भारत की मतलब जो है जो चीज़ें हैं वो भारत के ख़िलाफ़ हो जाएंगी। और दूसरा, भारत के बहुत सारे लोग करते हैं अरब देशों में काम, अरब देश का भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, अरब देश भारत का एक बहुत बड़ा पार्टनर है, जिसके कारण अगर हम इसराइल का खुलकर समर्थन करेंगे तो अरब देशों के लिए हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि अरब देश भी इसराइल का समर्थन करते हैं। अरब देश ने तो इसराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल किए हैं, यूएई ने नॉर्मल किए हैं, वहाँ से फ़्लाइट चालू होने लगी है, जिसकी वजह से सारे मुस्लिम देश अरब देशों से छिड़ने लगे। तो अरब देश एक अलग तरीके का प्रेशर पड़ जाएगा अरब देशों पर अगर भारत इसराइल का खुलकर समर्थन करने लगे कि भारत का आप इतना बड़ा पार्टनर है, उससे बोलो कि इसराइल से संबंध तोड़े। इस तरीके का प्रेशर अरब देशों पर पड़ेगा, जिस वजह से भारत इसराइल का खुलकर समर्थन नहीं करता है। लेकिन आपको भी पता है इसराइल भारत के दिलों के दिल से रिश्ते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारा अपने उनके प्राइम मिनिस्टर अपने ट्वीट में हमारा झंडा लगाएं या ना लगाएं। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।